नमस्कार, इस समय हम आईआरपी चौक के पास खड़े हैं और कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस द्वारा आईआरपी चौक रियासी में ये तारबंदी की गई है। यहाँ पे इस मुख्य सड़क पर तार लगाई गई है, पीछे आप देख सकते हैं आईआरपी चौक है और यहाँ पे पुलिस द्वारा तार लगाई गई है। जब इसकी जानकारी लेने की कोशिश की गई तो पुलिस द्वारा ये जानकारी दी गई कि कोरोना कर्फ्यू का पालन सख्ती से करवाने के लिए इस तार को यहाँ पे लगाया गया है और जो भी यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अनावश्यक बाहर निकलने वाले को रोका जा रहा है और वापस भी भेजने की कोशिश की जा रही है और जो सही रीज़न देता है जाने की, जिससे पुलिस सेटिस्फाइड होती है, उस जिस भी रीज़न से उसे छोड़ दिया जाता है। कुछ देर पहले की बात करें तो ये तारबंदी होने के कारण इस सड़क पर काफ़ी लंबा जाम भी लग गया था, जिसके बाद तार को खोला भी गया और पूछताछ कर तमाम जो वाहन हैं उनको छोड़ा भी गया और अब एक बार फिर जो है सड़क पर पूरी तरह से तार लगा दी गई है और जो भी यहाँ वाहन यहाँ से गुजर रहा है उससे पूछताछ की जा रही है, उनसे कारण बाहर निकलने का कारण पूछा जा रहा है और अगर पुलिस उस कारण से आश्वस्त होती है तो उसके बाद ही उस वाहन को यहाँ से गुजरने दिया जा रहा है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने आप को कहता है तो उससे आई कार्ड मांगा जाता है। इसके अलावा भी अन्य जरूरी कामों के लिए जो लोग रीज़न देते हैं तो उस जरूरी कामों का तथ्य भी मांगा जाता है, जैसे कि अगर शादी समारोह के किसी काम के लिए कोई बोलता है तो इन्विटेशन कार्ड भी मांगा जा रहा है। इसके साथ ही जब पुलिस आश्वस्त होती है उसके बाद ही यहाँ से वाहनों को छोड़ा जा रहा है। तो आईआरपी चौक रियासी में तारबंदी की गई है, मुख्य सड़क पर तार लगाई गई है और जिस तरह से हम देख रहे थे धीरे धीरे अनावश्यक जो लोगों का आवागमन है, वाहनों का आवागमन है, वो होता हुआ दिख रहा था। उसके बाद कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से पालन करवाने के लिए आईआरपी चौक के पास ये तारबंदी की गई है। तो कुछ देर पहले यहाँ पे जाम की स्थिति बनी हुई थी उस सामने की तरफ आईआरपी चौक की तरफ, जो वाहन काफ़ी जाम में फंसे हुए थे, जिसके बाद पूछताछ करके इन वाहनों को यहाँ से निकाला गया और रोका जा रहा है और जिस रीज़न से पुलिस आश्वस्त होती है उसके बाद ही वाहनों को छोड़ा जा रहा है, लोगों को रोका जा रहा है और संदेश ये देने की कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा कि अनावश्यक लोग घरों से बाहर ना निकले, उन्हें रोका जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। एसएचओ रियासी से भी हमारी बातचीत हुई है और इस तारबंदी करने का कारण जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने के लिए इस तार को यहाँ पर लगाया गया है। तो पुलिस द्वारा पूछताछ जो है वो हर आने जाने वाले से की जा रही है। तो रियासी के आईआरपी चौक की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे और आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं पुलिस जो है सख्त रुख अख्तियार करती हुई दिख रही है उन लोगों के खिलाफ जो अनावश्यक घरों से बाहर निकल रहे हैं, वाहनों में आवागमन कर रहे हैं और तारबंदी करके अब पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है और संदेश ये देने की कोशिश है कि लोग जो हैं अनावश्यक बाहर ना निकलें, उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।